छत्तीसगढ़ के सारनगढ़ में नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला होने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि नायब तहसीलदार बाल बाल बच गए। इस घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल मामला सारनगढ़ के कोसीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भद्रा का है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत एक शासकीय जमीन को प्रस्तावित कर उस जगह पर निर्माण किया जाना है। उस जगह का निरीक्षण करने के लिए सारनगढ़ नायब तहसीलदार कई अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तभी उस जमीन पर पिछले कई वर्षों से खेती करने वाले बाबूलाल व उनके साथ में और कई लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने नोक झोंक व गाली गलौज करते हुए सारनगढ़ नायब तहसीलदार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही नायब तहसीलदार की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की। नायब तहसीलदार जैसे तैसे करके अधिकारियों के साथ बच निकले। इस हमले में भद्रा सरपंच पति के साथ भी मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ कोसीर थाना में शिकायत दे दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 9 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ से स्टेटर प्रेरण अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।